हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू में। फ्रेंड्स, अगर आप भी वेंडिंग फ्रेम पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं मेरी तरह, तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कैसे हम इसको एडिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि कैसे इस वीडियो को एडिटिंग किया जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह के वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कैसे इस वीडियो को एडिटिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फ्रेंड्स काइंड मास्टर। फ्रेंड्स, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस का आइकन दे रहे, इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स 16:9 को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ मीडिया का ऑप्शन दे रहे हैं। मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले अपना एक बैकग्राउंड ले लिया। चलिए हम एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद फ्रेंड्स जितना टाइम तक आपको इस स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना है उतना टाइम तक इसको रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया से हम एक वेंडिंग फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यह फ्रेम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम उस फ्रेम को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इस फ्रेम को लेने के बाद इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इतना टाइम तक आपका बैकग्राउंड है उतना टाइम तक इसको भी रख दीजिएगा। इसके बाद ओके कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर का ऑप्शन में जाते हैं। मीडिया से हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अपना कोई भी फोटो से एडिटिंग कर सकते हैं, अन्यथा फ्रेंड्स अब मेरा फोटो चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया। तो चलिए सबसे पहले हम एक फ़ोटो को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, फ़ोटो लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि यह फ्रेम में परफेक्ट सेट हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ थ्री डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स सेंड टू बैक कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ परफेक्ट सेट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस फोटो को टच कीजिए। नीचे आपको कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका कलर एडजस्ट कर दीजिए ताकि यह देखने में थोड़ा लाइटेड लगे। इसके बाद फिर फोटो को टच कीजिए। यहाँ थ्री डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद इसका एक डुप्लीकेट ले लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड फिर डुप्लीकेट फोटो को टच कीजिए। थ्री डॉट्स को ऑप्शन में फिर से जाइए और इसके बाद सेंड टू बैक कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यह परफेक्ट सेट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर वाले फोटो को टच कीजिए। नीचे आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स ब्लैक एंड वाइट को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन में फिर से जाते हैं और यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका कलर एडजस्ट और कर देते ताकि यह देखने में अच्छा लगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छा लाइटेड आ गया इस पर। इसके बाद फ्रेंड्स फिर ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स ब्लिंक स्लो को टच कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा इफेक्ट इस पे आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर का ऑप्शन में जाते हैं। मीडिया से हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं। फ्रेंड्स यह टेम्पलेट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्पलेट वीडियो ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा फोटो छिप गया। इसको लाने के लिए नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा परफेक्ट बन गया। इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो एडिटिंग करने के बाद अगर फ्रेंड्स आपको इस टेम्पलेट का सॉन्ग रखना होगा तो रखिएगा, अन्यथा फ्रेंड्स टेम्पलेट को टच कीजिए। यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन दे रहा है। वॉल्यूम के ऑप्शन में जाने के बाद वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दे रहा है। ऑडियो के ऑप्शन में जाने के बाद अपनी फाइल से कोई भी ऑडियो इसमें लगा दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स पूरे वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। शेयर के ऑप्शन को टच कीजिए। यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स यह वीडियो आपकी फाइल में बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर लिया ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत होगी वीडियो एडिटिंग करने में या तो फ्रेंड्स फोटो टेम्पलेट डाउनलोड करने में तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।